पिछले कुछ दिनों से नवी मुंबई में हो रही बारिश के चलते नवी मुंबई की कई सड़कें खस्ता हालत में देखने को मिल रही है। वहीं नवी मुंबई के सानपाड़ा से जूहीनगर के पास की सड़क पर बेशुमार खड्डे देखने को मिल रहे हैं। इन खड्डों के कारण वहां से आने जाने वाली वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर रात के समय स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण यहाँ से गुजरने वाली वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी के पहिए खड्डे में डूब जा रहे हैं, जिसके कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में जब हमने वाहन चालकों से बात की तो आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो खड्डे हैं, हम लोग रात को बच के निकलते हैं इसमें से। दिन में तो दिख जाता है, लेकिन रात को क्या है, हम लोग नहीं जा पाते यहाँ से। कभी हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, कभी चल के जाते हैं। गाड़ी वाले लोग को भी तकलीफ होती है, गाड़ी कभी अनबैलेंस भी होती है, कभी कभी कोई गिर भी जाता है। तो उस वजह से प्रशासन से विनती है कि ये जल्द से जल्द बनाया जाए। लाइट भी नहीं है, क्या कहने जाएंगे? रात में कैसे दिक्कत होगी? रात को खंबे, मेरे हिसाब से तो खंबे लगाने चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर वाले भी बहुत से आते हैं और टू व्हीलर वाले बहुत से गिरने का चांसेस है। वो लोग बच के निकल जाते हैं। फिर भी मेरी मांग यही है कि ये रोड बनाया जाए और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खंबे लगाए जाए। अभी रोज का हो गया, यहाँ पर डेली का ही है। मतलब जब भी यहाँ पर बारिश आता है या कोई भी ये आता है तो उसमें ये रास्ते का प्रॉब्लम रहता ही है। आधा रास्ता बनाते हैं, आधा रास्ता छोड़ते हैं। रात में आने जाने के लिए तकलीफ होती है। अगर कोई खड्डा बिड्डे में गाड़ी घुस गई तो कुछ लगने का चाहिए, इसके ऊपर कोई ध्यान देता ही नहीं। अभी ये कितने दिन से रास्ता ऐसा ही पड़ा है। अभी हम लोग रोज आना जाना हमारा है यहाँ पे गाड़ी से, कोई गिर जाएगा तो क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, ये रास्ता हर टाइम यही रास्ता है, यही सीन है। ये इतना पट्टा, आधा पट्टा बनाएंगे, आधा पट्टा वैसे थुटपट्टी करके छोड़ देंगे, जो दो ये साल भर में नहीं टिक पाएगा। साल भर के अंदर ही पूरे रास्ते की वाट लग जाती है। ये लोग आधा काम करते हैं, आधा काम वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, लाइट वही तो, खड्डा भी है, बारिश का भी मौसम चालू है, लाइट भी नहीं है, गाड़ी चलाने प्रॉब्लम होता है, गाड़ी भी आती है बड़े बड़े, तो साइड से जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। यहाँ पर पूरा ये पत्थर बित्तर डाल के रखा है, कहाँ से जाएगा स्कूटर वाला? बड़ी बड़ी गाड़ी जाएगी, अगर कोई बड़ी गाड़ी वाला दबा के चल दिया तो क्या करेगा छोटा गाड़ी वाला? हमारी मांग है बस, जल्दी से जल्दी ये रास्ता ठीक करो और सबको अच्छे से सही करो, सब ये लाइटिंग बीटिंग का ये कर लो बस।